हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना मसाला। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम व्हाइट चने, जो रात को भिगो दिए थे पानी में। और ग्रेवी बनाने के लिए ले रही हूँ 2 प्याज, 7-8 लहसुन की कली, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च। खड़े मसाले में ले रही हूँ 2 तेज पत्ते, 1 मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च। चना मसाला लेंगे और ये चाय की पत्ती लूंगी मैं 1.5 चम्मच। इसका पानी में डालूंगी चने के अंदर। और बाकी सारे मसाले लेंगे हम, तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है, लहसुन प्याज टमाटर अदरक डाल के। कुकर को गैस पे रख दिया है और आज मैं बिना बॉईल किए हुए चना मसाला बनाऊंगी। ऐसे बहुत टेस्टी बनता है। कुकर गर्म हो गया है, एक कड़छी ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। अब डालेंगे हम खड़े मसाले, 2 तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, 4-5 काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा। गैस को मीडियम कर लेंगे। अब डालेंगे ग्रेवी। जब तक हमारी ग्रेवी भून रही है, तब तक हम चाय की पत्ती का पानी बना लेते हैं दूसरी गैस पे। ये मैंने 1/2 गिलास पानी ले लिया है और चाय की पत्ती मैं इसमें डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच चाय की पत्ती है। इसका पानी छान के हम छोले के अंदर डालेंगे। आप पोटली में बांध के भी इसको डाल सकते हो। चाय की पत्ती का पानी भी हमारा बन गया है, खोल गया है पानी। इसको गैस को बंद कर देंगे, पानी को मैं छान लूंगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है छोले का। इसको बंद कर देंगे, अब छान लेंगे। ग्रेवी भून चुकी है, अब इसमें मसाले डालेंगे। ये चना मसाला ले रही हूँ 2 चम्मच, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च, गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ थोड़ी सी। अब इसको भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मसाले भुन चुके हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये मसाले का ही पानी में डाल रहे हैं। अब इसमें छोले डाल देंगे। इसको भी भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसको भून लेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ले लिया, ये डाल देते हैं। ये चाय की पत्ती का पानी मैंने छान लिया था, अब इसे डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और 1/2 जग पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए।
अब 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी। बीस मिनट हो गए हैं, गैस को बंद कर देंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, कुकर को मैंने ठंडा कर लिया। छोले को चेक कर लेंगे, ये देखिए छोले बन चुके हैं। अब इसको सर्व कर लेंगे। छोले मैंने एक डोंगे में निकाल लिए हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इसको हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, भटूरे के साथ और चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत अच्छे बने हैं, बिना बॉईल किए बनाए हैं। आप भी बना के जरूर ट्राई कीजिए एक बार। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए।